हाँ, तो थ्री सेक्टर मॉडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू सेक्टर मॉडल में हम लोग पढ़े थे कि एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। हाउस होल्ड को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर और फर्म को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक हाउस होल्ड का होना, ये हाउस होल्ड है और इस तरफ एक फर्म है, ठीक है। अब होता क्या है, इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों का जो फ्लो है, पैसे का फ्लो का बात हो रहा है कि पैसा का जो फ्लो है वो एक ही सर्कल के अंदर रहता है। तो हम लोग हाउस होल्ड से जाते हैं फर्म के पास काम करने, ठीक है। हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो ये चार चीज को कहते हैं फैक्टर्स। तो हाउस होल्ड से यही चीज फर्म को, एक फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। तो इधर हम लिख रहे हैं फैक्टर्स, तो इधर से फैक्टर्स जा रहा है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीज हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है काम करने। अगर कोई अपना फैक्टर दे रहा है, मतलब रियल फ्लो हो रहा है, इसे हम लोग टर्म देंगे रियल फ्लो। यही हम टू सेक्टर मॉडल पहले बताना होगा, उसी से थ्री सेक्टर में घुस रहे हैं। तो जब फैक्टर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। अब जब ये सब जा रहा है तो बदले में फर्म इन लोग को पैसा देगा, लैंड के लिए रेंट देगा, लेबर के लिए वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। तो हाउस होल्ड को अब फर्म दे रहा है, अब वो दे रहा है फैक्टर पेमेंट। तो फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ फैक्टर पेमेंट कर रहा है तो पैसा का फ्लो हो रहा है, इसे कहते हैं मनी फ्लो। जब फैक्टर पेमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो में सामान जा रहा था, मनी फ्लो में पैसा जा रहा है। अब इसी पैसे से सोचो, मनी फ्लो में जब पैसा दे रहा है तो वो 100 रुपया दे रहा है, फर्म 100 रुपीज पे कर रहा है हाउस होल्ड को, तो 100 रुपीज इसके पास चला गया। अब ये इस 100 से क्या करेगा, इस 100 से वो जाके गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा। गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए फिर से वो किसी फर्म के पास ही जाएगा, तो वो फिर से जा रहा है एक फर्म के पास, ठीक है। तो ये जा रहा है क्या लेने, गुड्स एंड सर्विस, अच्छा लेगा, सॉरी। तो ये गुड्स एंड सर्विस ले रहा है, सामान जा रहा है, तो इसको हम लोग रियल फ्लो करेंगे और बदले में हाउस होल्ड इसको पैसा देगा, क्योंकि गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है तो पैसा देना होगा। यहां पे वो दे रहा है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, वो इस गुड्स एंड सर्विस के लिए पे कर रहा है। अब ये जो पे कर रहा है, यहाँ पे अगर ये टू सेक्टर मॉडल होता तो 100 मिलता, 100 इसको मिला था और ये पूरा 100 से ही गुड्स खरीद लेता। पर जबकि थ्री सेक्टर मॉडल है तो टू सेक्टर के अलावा बीच में और एक मॉडल है, एक और चीज है बैंक। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ दो चीज था, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर। पर थ्री सेक्टर मॉडल में और एक चीज है बैंक, क्योंकि ये थ्री सेक्टर मॉडल है, बीच में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, सिर्फ बैंक नहीं, हम लोग कह सकते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो किसी बुक्स में इसे बैंक लिखता है, किसी बुक में इसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखता है, व्हाटएवर, बीच में बैंक हो। मिस कैपिटल मार्केट भी लिखा। हाँ, कुछ भी, कैपिटल मार्केट, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी टर्म्स हो सकता है। तो हाँ बीच मिस, में ऐसा एक और सेक्टर बीच में होता है, टू सेक्टर के अलावा बैंक भी होता है। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अगर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं तो पूरा 100 रुपए से हम लोग गुड्स नहीं खरीदते, हम लोग कुछ रुपया सेव भी करते हैं, यही नॉर्मल बिहेवियर है ह्यूमन का। तो जितना करी, जितना हम लोग फोर सेक्टर मॉडल का ओपन पढ़ेंगे उतना रियल लगेगा, अभी यही कॉन्सेप्ट है। तो
जब हाउस होल्ड फर्म से सामान खरीदेगा तो से कह सकते हैं 80 का ही खरीदेगा, तो 20 रुपीज क्या करेगा, 20 रुपीज बैंक में सेव कर देगा, इसको बोलेंगे सेविंग। इसको क्या करेगा, हम लोग अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 80 रुपया ही खर्च करते हैं, 20 रुपए को सेव कर देते हैं, बैंक में डाल देते हैं। अब जैसे ही फर्म के पास 80 रुपीज आ गया, वो क्या करेगा, उसका तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम छोटा हो जाएगा, अब वो 80 का प्रोड्यूस करेगा। बट इसका रूल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कांस्टेंट रखना है, ना बड़ा करना है ना छोटा करना है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। 100 है तो 100 ही अंदर फ्लो करना चाहिए, पर उसके बाद तो 80 हो गया, अब तो वो 80 का प्रोड्यूस करेगा नहीं, वो क्या करेगा, 20 रुपया वही बैंक से जाके बोरो कर लेगा। तो अब फर्म जाएगा और 20 रुपीज बोरो कर लेगा, ठीक है, तो इसके पास फिर से कितना आ गया, और 20 आ गया, मतलब इसके पास फिर से 100 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि फिर से वो 100 का प्रोडक्शन करेगा, फिर से वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिपीट होगा। पर अब बात आता है टर्म्स का, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का। तो ये जो सेविंग करता है ना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को छोटा कर देता है, और वो बोरो करके इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फिर से बड़ा कर देता है। तो हाउस होल्ड कंटिन्यूअसली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को छोटा कर रहा होता है, और फर्म इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बड़ा कर रहा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पैसे को इंजेक्ट करता है और वो लीकेज करता है। तो सेविंग करने से लीक, अगर हम लोग कुछ चीज लीक करते हैं, कोई अगर पैकेट है उसमें लीक कर दे तो उसे पैसा, उसे पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो पैकेट छोटा हो जाएगा, तो लीकेज लीड्स टू सेविंग्स। तो सेविंग्स का दूसरा नाम होता है लीकेज। तो पूछे अगर लीकेज कौन करता है, लीकेज हाउस होल्ड करता है, तो फिर इंजेक्ट कौन करता है, बोरो को हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, कोई चीज डालना। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रुपया डालते जाता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रुपया को निकालते जाता है, मतलब ये छोटा कर रहा है वो इसको बड़ा कर रहा है। तो अगर अब बोले ये सेविंग कर रहा है, ये बोरो करके रियल में कर क्या रहा है, बोरो करके ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी का दूसरा नाम, बोरो का समटाइम्स लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बोरो कर रहा है बैंक से, तो अल्टीमेटली वो बोरो करके क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये 20 रुपया वो बोरो करके क्या किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो सेविंग करता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इकोनॉमिक्स में आई फॉर इन्वेस्टमेंट, देन वाई फॉर इनकम, इनकम डिनोट होता है वाई से, इसलिए इकोनॉमिक्स में आई से इन्वेस्टमेंट, एस से सेविंग्स। तो हम लोग कह सकते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहता है, मतलब एस इज इक्वल टू आई। क्यों, वो सेव कितना किया था, 20 रुपया, ये इन्वेस्ट कितना किया, 20 रुपया। तो हमेशा हम लोग देखेंगे थ्री सेक्टर मॉडल में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसको डिफरेंट लैंग्वेज से एग्जाम में पूछता है, इसलिए सारा टर्म्स समझ कर रखना जरूरी है। तो ये इसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 100 में रोटेट होता रहेगा। अब यहाँ पे आएगा फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल हम लोगों का क्या रहेगा, फोर सेक्टर मॉडल में हम लोगों का दो चीज है, पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी होता है जब ऐसा कंट्री हो जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, कभी बाहर वाले कंट्री के साथ कोई काम नहीं करता है, सिर्फ इंडिया है तो इंडिया अपने में ही बिजनेस करता है, जो कि फैक्ट नहीं है। आज हम लोग टॉप टू बॉटम इंटरनेशनल प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं, तो ये समझ ही सकते हैं इंडियन इकोनॉमी इज नॉट क्लोज्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों का ओपन इकोनॉमी है, पर
ये एक टॉपिक है क्लोज इकोनॉमी, जिस अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो क्या होगा, ये उस बेसिस पे है। तो फोर सेक्टर मॉडल कर रहे हैं क्लोज इकोनॉमी का। क्लोज इकोनॉमी के केस में, क्लोज इकोनॉमी के केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात नहीं करना है, हम लोग सिर्फ इंडिया के अंदर रहकर ही बात करेंगे। तो अभी तक थ्री सेक्टर था, हाउस होल्ड, फर्म एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट अब फोर सेक्टर में फोर्थ चीज इंक्लूड हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट। अब अगर फैक्ट का बात करें तो हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसको सेव तो करते ही हैं, सेव करने के अलावा टैक्स भी देना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो जैसे जैसे हम लोग और मॉडल पढ़ेंगे और सेक्टर पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे ज्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट तक जा रहे हैं, ज्यादा रियल बात करेंगे। तो हम लोग अभी तक कितना कमा रहे थे, 100, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। हाउस होल्ड फर्म के पास जाता है, फैक्टर्स देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में फर्म हम लोगों को फैक्टर पेमेंट करता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ये दो बात तो अभी भी सेम ही है। फिर हम लोग जाते हैं उसी 100 रुपीज, हम लोग को 100 रुपीज मिलता है, हम लोग इस 100 रुपए से कुछ गुड्स खरीदते हैं, कुछ सेव करते हैं और कुछ रुपया टैक्स दे देते हैं। अब हम लोग तीन काम करेंगे हम लोग को। अच्छा, जब हम, अच्छा तो अब हम लोग 20 रुपीज सेव करेंगे, सिर्फ 60 रुपीज का सामान खरीदेंगे और 20 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। मतलब ये गोल शेप बनना चाहिए, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ, अच्छा हम गोल ही फॉर्म करते हैं, ये शेप राउंड बनना चाहिए, याद रहे। तो गवर्नमेंट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये फोर सेक्टर मॉडल, ये मेरा और एक सेक्टर है। तो अब हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं 20 रुपीज। तो हम अपने इनकम का तीन चीज किए, हमको फर्म से 100 रुपया मिला था, हम 60 रुपया का, 60 रुपीज का गुड्स खरीद लिए, 20 रुपीज बैंक में सेव कर दिए, 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिए, हम ये किए अपने 100 रुपए का। अब बदले में क्या होगा, अच्छा मेरा जो हाउस होल्ड का लोग है वो फर्म किसका है, फर्म प्राइवेट सेक्टर से है, ये जो फर्म रहता है ना ये प्राइवेट सेक्टर रहता है। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने जाते हैं और हम लोग गवर्नमेंट के पास भी काम करने जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखो तो हम लोग फर्म के पास भी काम करने जाते हैं और हम लोग गवर्नमेंट के पास भी काम करने जाते हैं। तो फैक्टर्स तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को भी देते हैं, घर से निकलकर आदमी प्राइवेट सेक्टर में भी काम, क्योंकि इंडिया का बात हो रहा है, इट्स इंडियन इकोनॉमी, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है, पब्लिक सेक्टर्स भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है। तो द थिंग इज हम लोग जो काम करने जाते हैं फर्म में भी जाते हैं और गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, दोनों जगह हमारा फैक्टर जाता है, तो हमें पेमेंट भी दोनों जगह से मिलता होगा। तो फर्म भी हमें 100 रुपया देता है और गवर्नमेंट भी हमें देता होगा कुछ रुपया, से 50 रुपीज देता होगा, तो 50 रुपीज गवर्नमेंट भी देता है। तो हमें दो चीज यहाँ पे मिलता है, 100 रुपीज फर्म से मिल रहा है, 50 रुपीज गवर्नमेंट से मिल रहा है। टोटल हमें कितना अर्न हो रहा है इस सेक्टर में, 150 रुपीज। तो हम खर्च भी 150 ही करेंगे, पर पूरा 150 खर्च नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख दो 80 रुपीज का हम गुड्स खरीद लिए, 20 रुपीज हम सेव कर लिए, और 20 नहीं यहाँ पे कर दो 50 रुपीज अब हम लोग सेव कर लिए और गवर्नमेंट को 20 रुपीज टैक्स पेमेंट कर दिए। तो 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 20 150, तो हमारे पास 150 रुपीज आया था, 150 से हम 80 का सामान खरीद लिए, 50 रुपीज सेव कर दिए, 20 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिए। गवर्नमेंट मेरे को 50 दिया था, हम 20 गवर्नमेंट को बैक दे दिए, यहां पे ये काम कंप्लीट हुआ। अभी इसके साथ अब हम उसी पैसे से गुड्स खरीदने गए थे 80 का, वो मेरे को
हम उसको पेमेंट की थी, ये पूरा केस खत्म। अब फर्म के साथ क्या होता है, फर्म जब इससे 80 रुपीज पाया और 50 रुपीज ये बैंक में सेव हुआ, तो इसको तो वही 50 रुपीज ये बोरो भी करेगा, क्योंकि जितना लीकेज होगा उतना इसको बैक चाहिए। क्लियर है? तो अब गवर्नमेंट भी फर्म से सामान खरीदता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो रोड बनवाता है, ब्रिजेस बनवाता है, स्कूल्स बनवाता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, तो उसको भी तो गुड्स खरीदना पड़ेगा। तो वो भी फर्म के पास जाता है और गुड्स खरीदता है, तो गवर्नमेंट भी इसके पास जाएगा और गुड्स खरीदेगा। जब वो उसके पास जाएगा और गुड्स खरीदेगा, तो गुड्स इसके पास गया तो गवर्नमेंट भी इसको पेमेंट करेगा। तो पैसा हो क्या रहा है, हम लोग देख सकते हैं फिर से बिना अमाउंट के, जस्ट रिकैप लो, अमाउंट छोड़ दो। यहाँ पे चार सेक्टर है, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक बैंक, एक गवर्नमेंट, चार लोग हैं। हाउस होल्ड से लोग निकलकर दो जगह काम करने जाते हैं, मतलब फैक्टर्स देते हैं, एक फर्म में एक गवर्नमेंट को, दो जगह निकलता है, एक यहाँ पर काम करने गया, एक यहाँ पे काम करने गया। तो दोनों लोग हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेंगे, तो इसने भी पे किया और गवर्नमेंट ने भी पे किया। यहाँ क्लियर है? सेकेंड, हाउस होल्ड के लोग उसी फर्म के पास गुड्स खरीदने जाएगा, तो यहां से ये गुड्स खरीदा, पैसा इसको पे कर दिया, ये अर्न किया तो गवर्नमेंट को भी पे कर दिया, इससे गुड्स खरीद के पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो गवर्नमेंट से लिया था, गवर्नमेंट को दे दिया, फर्म से भी लिया था, फर्म को भी दे दिया। अभी फर्म और गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट भी सामान फर्म से खरीदता है, फर्म को गवर्नमेंट पे भी करता है, तो फर्म गुड्स देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पैसा देता है गुड्स का, गवर्नमेंट पैसा देता है जब गुड्स का, तो फर्म भी उसको टैक्स पे करता है, तो फर्म को भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है, अंदर का पैसा ही अंदर है, बट ये कुछ पैसा सेव भी करता है, फिर ये ही उस पैसे को बोरो करता है और फिर से रीइन्वेस्ट करता है। तो हम लोग देख सकते हैं, जो पैसा कोई अगर कम कर रहा है, इनडायरेक्टली उसी को वो पैसा फिर मिल जा रहा है। हम तुम लोग को अगर पढ़ाकर पैसा ले रहे हैं, तो उस पैसे को हम फिर खर्च भी कर रहे हैं, बैंक में सेव भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पैसा इसी कंट्री के अंदर घूम रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, अमाउंट को छोड़ दो, सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट में कोई भी तरीके का डाउट है?